नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडियन। वर्ल्ड कप के एक अहम मुकाबले में सोमवार को शाकिब उल हसन के हरफन मौला प्रदर्शन के बल पर बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से राउंड कर रख दिया। इस हाई स्कोरिंग मैच में सबकी नजरें एक शॉट पर टिकी रह गई। ये शॉट था वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन का। निकोलस पूरन 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी उन्होंने 30वें ओवर की पहली गेंद पर शॉट खेला और गेंद को हवा में बाउंड्री के पार पहुंचा दी। दिलचस्प ये रहा कि उनके इस छक्के ने स्टेडियम के छत को तोड़ डाला। रिप्ले में देखने पर पता चला कि गेंद छत के जिस हिस्से पर गिरी वहां बड़ा छेद हो गया था। यही नहीं, इस शॉट के बाद गेंद के धागे भी बाहर आ गए थे, जिसके बाद अंपायर ने गेंद को बदल दिया। ये वीडियो लोगों ने बार बार देखा। निकोलस पूरन ने 30 गेंदों पर एक छक्का और एक चौका लगाकर 25 रन बनाए और शाकिब अल हसन की गेंद का शिकार हो गए। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 8 विकेट के नुकसान पर 321 रन बनाए, जबकि बांग्लादेश ने इस लक्ष्य को 41.3 ओवर में 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। मैच के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने माना कि बांग्लादेश के खिलाफ हुए मैच में उनकी टीम ने 40-50 रन कम बनाए। बांग्लादेश ने सोमवार को यहां खेले गए विश्व कप के मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 7 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।